सिद्धार्थनगर विकास भवन के अम्बेडकर सभागार में बुधवार को आयोजित किसान दिवस में पहुंचे सीडीओ जयेंद्र कुमार के बातचीत की शैली पर भड़के भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि बैठक में सीडीओ ने संगठन के जिला प्रवक्ता और सीनियर सिटीजन लक्ष्मण चौधरी को तुम कहते हुए अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि किसानों के 2 घंटे इंतजार करने के बाद वे दोपहर 1 बजे पहुँचे थे। इस मामले में किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन, जिला अधिकारी को सब पर सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अम्बेडकर सभागार में बैठक का बहिष्कार करके बाहर निकले किसानों को सीडीओ ने विकास भवन के पिछले गेट पर समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान आक्रोशित थे। उसके बाद सीडीओ नाराज होकर विकास भवन में जाने लगे तो एक किसान ने कहा कि है सीडीओ, तो फिर सीडीओ नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यदि बात करनी है तो 2-3 लोग अंदर आकर अपनी बात रखें, लेकिन किसान अंदर नहीं गए और कुछ देर बाद सीडीओ अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इसके बाद किसानों ने विकास भवन के गेट पर प्रदर्शन किया। किसान 11 बजे से ही विकास भवन पहुंच गए थे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजमिल किसानों को मनाने का प्रयास करते रहे, फिर बात नहीं बनी और किसान सीडीओ के विरोध में नारेबाजी करते रहे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने कहा कि सीडीओ ने बुजुर्ग किसान को तुम बोला है, यह किसानों का अपमान है। यही कारण है किसानों ने बैठक का बहिष्कार करके विरोध किया। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने कहा कि 350 से 450 रुपए बोरी यूरिया बिकने, सिंचाई और बिजली की असुविधाओं पर बात करनी थी, लेकिन सुनने वाले अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। यदि अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे तो किसान दिवस का क्या औचित्य है। इस दौरान लक्ष्मण चौधरी, ब्रिजमान चौधरी, कपिल मणि त्रिपाठी, वेंद्र यादव, सुरेंद्र चौरसिया, साधिक व पवन कुमार मौजूद रहे।